नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और इस जीत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता भी गदगद हैं। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब मध्य प्रदेश में भी गुजरात के समान ही जीत का दावा किया जा रहा है। जी हां, सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का 20 पर सिमर जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति को दिखाता है। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुजरात के परिणाम को ही मध्य प्रदेश में दोहराया जाएगा, गुजरात जैसी ही जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी की होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि गुजरात के परिणाम पूरे भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में इतनी रिकॉर्ड जीत किसी भी दल को आज तक नहीं मिली। खबर ग्वालियर से है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीती रात शहर की सड़कों पर निकलकर जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री ने सुबह जन चौपाल लगाई जिसके जरिए शासन की योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। बता दें आपको, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खराब सड़कों को लेकर चप्पल जूते न पहनने का संकल्प पहले ही लिए हुए और अब सड़कें अच्छी बन जाएंगी तभी जूते चप्पल पहनने का संकल्प लिया है। अब यही कारण है कि शहर की सड़कों का औचक निरीक्षण कर साथ ही लोगों की जन समस्याओं का समाधान कर उनके बीच पहुंच रहे हैं। खबर रतलाम से है। रतलाम के सागोड़ रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर नौवीं कक्षा की छात्रा हॉस्टल के चौथी मंजिल से नीचे गिर गई। आनंद फानंद में रतलाम के जिला अस्पताल में गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजन अब जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद 14 साल की छात्रा को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर देर रात करीब 1:30 बजे गिरिराज जी मंदिर से परिक्रमा से लौट रहे शिवपुरी के श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार बोलेरो कार आइसर लोडिंग वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में पीछे से लोडिंग वाहन में जा भिड़ी। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को सतनवाड़ा थाना पुलिस ने मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में भर्ती कराया है, जहां 3 घायलों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि 2 घायलों का शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। खबर नरसिंहपुर से है, जहां 6 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार हुई है। करेली थाना के आरोपी पर मामला दर्ज हुआ है। ये पूरी घटना करेली के पास राकई गांव की है। आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। वो राकई गांव गुड़पट्टी पर गुड़ बनाने के लिए आया था और यहीं पर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर में एटीएम तोड़कर लूट का प्रयास करने वाली फरुखाबाद की शातिर गैंग को पुलिस ने दबोचा है। घटना को अंजाम देने पहुंचे 4 बदमाशों में से 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। बदमाशों के कब्जे से कटर, हथौड़ा, सरिया मिला है। घटना पड़ाव थाने के रवि नगर स्थित SBI बैंक के ATM की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पकड़ी गई गैंग के फरार साथी की तलाश तेज हो गई है। दमो के तेंदुखेड़ा से सटे नौरादेही अभ्यारण के सिंहपुर रेंज के रेंजर पर लकड़ी चोरों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लकड़ी चोरों ने रेंजर पर हमला किया, जिसके बाद रेंजर ने स्थानीय पुलिस चौकी में जाकर मामला दर्ज कराया। घटना जिले के तेंदुखेड़ा से सटे नौरादेही वन अभ्यारण के सिंहपुर रेंज की बताई जा रही है। चोरों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब उनको लकड़ी चोरी करने से रोका गया। पुलिस ने आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खबर भिंड से है। गुजरात में जीत के बाद मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है। प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, गुजरात की जनता ने विकास को वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है। विकास के नाम पर सातवीं बार बीजेपी की सरकार बनी है। प्रभारी मंत्री ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाती है और जीत के बाद शांत हो जाती है। छतरपुर हरपालनपुर में दर्दनाक हादसे में यूपी के दो युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर के बाद बाइक सवार करीब 100 फीट तक कार में फंसकर खिसकते रहे। नगर से 4 किलोमीटर दूर सौरा गांव के पास गढ़ो तिराहे पर NH 349 झांसी मिर्जापुर रोड पर गुरुवार सुबह 10 बजे के लगभग कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार मौके पर तो दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। खबर जबलपुर से है। जबलपुर नगर निगम में अपने साथी कर्मचारी की हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद निगम कर्मचारी संघ ने मौन प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मुकेश परासर नगर निगम में नियमित कर्मचारी थे जो सफाई विभाग में कार्यरत थे, जिन्हें अन्य विभाग में स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद किसी वजह से मुकेश को निगम प्रशासन के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के चलते कर्मचारी मुकेश परासर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।